Good morning class. This is our third class of Ana Physio in which we will study about the structure and function of eye or Ana and Physio of eye. Today we will study about the eyeball structure in which we will discuss the nervous tunic. First of all, this nervous tunica is I'm going to explain this nervous tunica. First of all, retina. Retina is a thin, semi-transparent, multi-layered sheet of neural tissue. Neural tissue की ये पतली, semi-transparent, multi-layered sheet होती है. इसमें काफ़ी सारी layers पाई जा रही होती हैं. Inner aspect में ये posterior side पर globe के 2/3 posterior को ये inner aspect पे line किए हुए रहती है. और anteriorly ये terminate होती है aura serrata के ऊपर जा कर के ये ख़त्म हो रही होती है. तो आप देख सकते हैं ये जो रेटिना की स्ट्रक्चर है डायग्राम के अंदर दिखाई गई है, ये रेटिना है. आगे से लेकर पीछे तक ये फैली हुई है, मेनली पीछे जहाँ पर इसकी ये अपने ऊपर पिक्चर को बनाती है, किसी इमेज को बनाती है. ये इसका पोस्टर पोल दिखाया गया है जहाँ पर ऑप्टिक नर्व होती है. फोविया और मैक्यूला स्ट्रक्चर दिखाई गई है और ये रेड और ब्लू कलर से आर्टरीज और वेन्स का नेटवर्क आपको दिखाया गया है. अब रेटिना की लेयर आप देख सकते हैं. रेटिना पे इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन होती है, नर्व फाइबर लेयर होती है, गैंग्लियोनिक सेल लेयर है, इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर है, इनर न्यूक्लियर लेयर है, आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, आउटर न्यूक्लियर लेयर, एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, फोटो रिसेप्टर लेयर जिसमें रॉड्स और कोन्स पाई जाते हैं, रेटिनल पिगमेंट एपिथीलियम है. यहाँ पर देखिए इन सभी जो स्ट्रक्चर्स मैंने बोली वो सारी की सारी यहाँ पर दिखाई गई हैं. नीचे से लेकर ऊपर तक लाइन वाइज है. रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, आउटर सेगमेंट, इनर सेगमेंट, आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन, रिसेप्टर, न्यूक्लियर लेयर, आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, इनर न्यूक्लियर लेयर. इसमें जो शुरुआत के अंदर जो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम है, ये रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम ही बनाता है. इसके बाद जो आउटर से ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड गया है, आउटर सेगमेंट से लेकर के ऊपर आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर तक है, वो आपकी फोटो रिसेप्टर सेल लेयर कहलाती है, जो कि थोड़ा बहुत आपके आउटर प्लेक्सिफॉर्म इसमें भी कवर हो रहा है. इसके अलावा आउटर प्लेक्सिफॉर्म जो है वो इनर न्यूक्लियर लेयर वगैरह और थोड़ा बहुत इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर जो है वो इंटरमीडियरी न्यूरॉन्स की लेयर भी बना रही होती है. और लास्ट गैंग्लियोनिक लेयर जिसके अंदर इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर है, गैंग्लियोनिक सेल लेयर है, नर्व फाइबर लेयर है और इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन है. तो ऐसी ये रेटिना की लेयर्स आपको दिखाई दे रही हैं. अब रेटिनल पिगमेंट एपिथीलियम को देखिए. ये जितने भी अपन ने यहाँ बोली अब इनको अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं. रेटिनल पिगमेंट एपिथीलियम क्या है? मेलानिन की शीट है जिसके अंदर एपिथेलियल सेल्स होती हैं, लाइंग बिटवीन द कोरॉइड एंड द न्यूरल पोर्शन. कोरॉइड और न्यूरल पोर्शन के बीच में ये एपिथेलियल सेल्स होती हैं जिसके अंदर मेलानिन की शीट पाई जा रही होती है, जो कि सिंगल लेयर बना रही है, जो कि ऑप्टिक डिस्क की पेरिफ्राई से लेकर के ऑरा सिरेटा तक फैली हुई है. एपिथेलियल सेल्स जो हैं असिस्ट कर रही हैं रॉड्स और कोन्स के टर्न ओवर को और लाइट की स्कैटरिंग को ये बचा रही होती हैं. आई बॉल के अंदर आई जो लाइट है वो स्कैटर नहीं हो पाती क्योंकि वहाँ पे मेलानिन पाया जा रहा होता है. इसके अलावा ये कोरॉइड और रेटिना के वेस्कुलर सिस्टम के बीच में भी बैरियर का काम कर रही होती है. तो ये इतने सारे इस एपिथेलियल सेल्स के फंक्शन हैं कि रॉड्स और कोन्स के टर्न ओवर को असिस्ट कर रही है, लाइट को स्कैटर नहीं होने दे रही है, कोरॉइड और रेटिना के बीच के वैस्कुलर सिस्टम में बैरियर का काम कर रही होती है. तो ऐसी रेटिनल पिगमेंट एपिथीलियम होती है. इसके बाद रेटिना का जो न्यूरल पोर्शन है उसमें 9 रिमेनिंग लेयर्स पाई जा रही होती हैं, जो कि लाइट को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करती है और फिर वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स थैलेमस तक ट्रांसमिट होते हैं. ये जो न्यूरल पोर्शन है ये काफ़ी सॉफ्ट, ट्रांसल्यूसेंट और पर्पल कलर का होता है रोडोप्सिन पिगमेंट की वजह से, जो कि बाद में ओपेक हो जाता है और लाइट में एक्सपोज होने के बाद ओपेक और ब्लीच्ड हो जाएगा. इसमें ब्लीचिंग इफेक्ट दिखाई दे रहा होता है. रेटिना में जो न्यूरॉन्स हैं वो अलग अलग कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई किए गए हैं. अब गैंग्लियोनिक सेल लेयर, ये विजुअल पैकेट्स
को ट्रांसमिट कर रही है, जो विजुअल पैकेट्स आपको ब्रेन के फोटो रिसेप्टर से मिले हैं उनको आगे प्रोसेसिंग के लिए ये ट्रांसमिट करने का काम कर रही है गैंग्लियन सेल लेयर। ये हाईली कॉन्ट्रैक्टेड होती हैं मैक्यूला के अंदर, पर फोविया के अंदर ये लेस कॉन्ट्रैक्टेड। ये मैक्यूला और फोविया पर ने अभी जो लास्ट क्लास पढ़ी थी मैंने, इससे पहले जो क्लास पढ़ाई थी उसके अंदर ये मैक्यूला और फोविया की स्ट्रक्चर को डायग्राम के अंदर भी दिखाई दे। फोविया सेंट्रलिस वगैरह ये नाम आपने सुने हैं, तो वहाँ पर मैंने आपको ये स्ट्रक्चर डायग्राम में भी दिखाई थी, अगर आपको याद है, नहीं याद है तो आप दोबारा से उसे देख लीजिए। और रेटिनल गैंग्लियोनिक सेल्स जो हैं वो सिग्निफिकेंटली वेरी कर रही होती हैं साइज़ में भी, कनेक्शन में भी, रिस्पॉन्सेज में भी, जो विजुअल स्टिमुलेशन से आपको मिल रहे होते हैं। विजुअल स्टिमुलेशन का साइज़ के अकॉर्डिंग ये गैंग्लियोनिक सेल वेरी करती हैं, उसके कनेक्शंस के अकॉर्डिंग, उसके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग, पर ये बट दे ऑल शेयर द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग अ लॉन्ग एक्सन दैट एक्सटेंड्स इनटू द ब्रेन। पर एक कॉमन प्रॉपर्टी इनके अंदर होती है कि इनका लॉन्ग एक्सन होता है, वो ब्रेन तक फैला हुआ रहता है, और यही एक्सन जो है वो ऑप्टिक नर्व भी बनाता है। अब बाइपोलर सेल लेयर देखिए, रेडियली ओरिएंटेड न्यूरॉन्स हैं ये, सिग्नल कुरियर्स का काम कर रहे हैं ये फोटो रिसेप्टर्स के बीच में, जो कि लाइट स्टिम्यूलाई से रिएक्ट करते हैं उन फोटो रिसेप्टर्स और गैंग्लियोनिक सेल्स के बीच में। ये सिग्नल कुरियर का काम कर रहे हैं फोटो रिसेप्टर्स और गैंग्लियोनिक सेल के बीच में, जो लाइट स्टिम्यूलाई से ये रिएक्ट करके सिग्नल कुरियर का काम कर रहे हैं। बाइपोलर ये होते हैं, इनमें दो टाइप्स के बाइपोलर सेल्स पाई जा रही होती हैं, कोन बाइपोलर और रॉड बाइपोलर सेल्स, जो कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करती हैं रेस्पेक्टिव फोटो रिसेप्टर्स से, उनके जो रेस्पेक्टिव फोटो रिसेप्टर्स हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं ये बाइपोलर सेल्स दिखाई गई हैं, ये अपने ये इनके रिसेप्टर्स, यहाँ पर ये पर्पल कलर की बाइपोलर सेल्स हैं, यहाँ ग्रीन कलर की हॉरिजॉन्टल सेल दिखाई गई हैं, आगे ब्लू कलर में इसके रिसेप्टर्स दिखाए गए हैं, वहाँ से ये मैसेज को लेंगी और कंडक्ट करके ये भेज देंगी रेटिनल गैंग्लियोनिक सेल्स तक, और फिर वो अपना फंक्शन करेंगी आगे। फोटो रिसेप्टर लेयर क्या है भाई, ये रॉड्स और कॉन्स की बनी होती है, रॉड्स और कॉन्स जो न्यूरॉन्स है, और ये लाइट को रिसेप्टर पोटेंशियल में कन्वर्ट करती हैं। रॉड्स जो होती हैं वो शेप को आइडेंटिफाई करती हैं, शेप और मूवमेंट्स को आइडेंटिफाई करती हैं, और डिस्क्रिमिनेट करती हैं ब्लैक और वाइट के बीच में। तो काला और सफ़ेद रंग जो आपको रॉड की वजह से दिखता है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले वाली क्लास में भी, ये रेटिना के पेरिफ्रल पार्ट पर बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, डेंस्ड होती हैं, बहुत सघन होती है रॉड्स जो हैं वो रेटिना के पेरिफेरल पार्ट में ज़्यादा पाई जाती हैं। जबकि कॉन्स जो न्यूरॉन्स हैं वो कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हाई विजुअल एक्यूटी ब्राइट लाइट में ये अपना काम कर रहे होते हैं, हाईली कंसंट्रेटेड होते हैं ये फोविया रीजन में, जो कि मैक्यूला ल्यूटिया के सेंटर में पाया जा रहा होता है। तो वो पेरिफ्राई में थे रेटिना के, ये सेंटर रीजन में है। तो ये फोटो रिसेप्टर लेयर के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद देखिए, फोटो रिसेप्टर्स जो हैं उनके अंदर फोटो पिगमेंट्स भी पाए जा रहे होते हैं, जिस पे जब लाइट हिट करती है तो गोज थ्रू स्ट्रक्चरल चेंज, उनमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे, इन फोटो पिगमेंट्स में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, और ये रिसेप्टर पोटेंशियल को इनिशिएट कर देते हैं नर्व के अक्रॉस, इनिशिएट करके शुरू कर देते हैं उनको ये नर्व के अक्रॉस, फिर ये रिसेप्टर पोटेंशियल चले जाते हैं। इनमें जो कोन सेल्स होती हैं उनमें तीन फोटो पिगमेंट्स पाए जाते होते हैं, जो एक दूसरे के साथ में इंटरैक्ट करेंगे अलग अलग वेवलेंथ की लाइट्स पर, जैसे रेड, ग्रीन और ब्लू कलर की तीन लाइट्स के लिए इनमें तीन तरह के फोटो पिगमेंट्स पाए जा रहे होते हैं। जबकि रॉड सेल्स में केवल एक रोडोप्सिन पिगमेंट ही पाया जाता है, जो विजन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिम्ड लाइट में, डिम्ड लाइट में विजन के रिस्पॉन्सिबल ये रॉड सेल्स का रोडोप्सिन पिगमेंट होता है। अगर बहुत मंदी रोशनी है तो उसमें आपको देखने में सहायता ये रोडोप्सिन नाम का पिगमेंट कर रहा होता है। ये रॉड्स और ये कोन्स आपको दिखाई गई हैं, स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, आउटर सेगमेंट रॉड सेल्स का जिसमें फोटो सेंसिटिव केमिकल्स हैं, ये नीचे न्यूक्लियस दिखाया गया है, कोन का न्यूक्लियस इसके अंदर ही है, ये आउटर सेगमेंट बना रहा है कोन सेल का जिसमें फोटो सेंसिटिव केमिकल्स पाए जा रहे होते हैं। अब आप देखिए, अब रिसेप्टर पोटेंशियल इनिशिएशन
जो है इनिशिएशन इन अ रॉड सेल्स, कैसे ये इनिशिएट हो रहे हैं रिसेप्टर पोटेंशियल। तो देखिए, लाइट आइसोमराइजेस रेटिनल विच एक्टिवेट्स रोडोप्सिन दैट इन टर्न एक्टिवेट्स अ जी प्रोटीन कॉल्ड ट्रांसड्यूसिन विच इन टर्न एक्टिवेट्स द एंजाइम फॉस्फोडाइएस्ट्रेस पीडीई। एक्चुअली क्या है कि रिसेप्टर पोटेंशियल कैसे रॉड सेल में शुरू होता है वो यहाँ पर बताया गया है। देखिए, लाइट जो है रेटिना के ऊपर आइसोमराइज होगी जिससे कि रोडोप्सिन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। ऑटोमेटिकली ये जी प्रोटीन को एक्टिवेट कर देगा जिसको अपन ट्रांसड्यूसिन कहते हैं, और ये ट्रांसड्यूसिन जो है फॉस्फोडाइएस्ट्रेज नाम के एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। इस एंजाइम का काम क्या होता है, ये साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट CGMP को डिटैच कर देगा सोडियम चैनल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, क्योंकि CGMP को ये GMP में हाइड्रोलाइज कर देता है, तोड़ देता है, साइक्लिक GMP को GMP में तोड़ देता है। तो ये मैकेनिज्म अपन देख रहे हैं रिसेप्टर पोटेंशियल की। सबसे पहले क्या हुआ था, लाइट आइसोमराइज हो रही है रेटिना के ऊपर जिससे कि रोडोप्सिन पिगमेंट एक्टिवेट हो रहा है, रोडोप्सिन से जी प्रोटीन यानी ट्रांसड्यूसिन एक्टिवेट हो रहा है, ट्रांसड्यूसिन से फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम एक्टिवेट हो रहा है, ये एंजाइम साइक्लिक GMP को तोड़ देता है GMP में, साइक्लिक GMP जो सोडियम चैनल से आ रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, सोडियम चैनल से आ रहा है वो CGMP को GMP में तोड़ देगा। सोडियम चैनल जब क्लोज होता है CGMP जैसे ही डिटैच हो जाएगा सोडियम चैनल क्लोज हो जाएगा, तो जो मेम्ब्रेन की परमियबिलिटी है सोडियम के प्रति वो डिक्रीज हो जाएगी। फिर जो रॉड हैं हाइपर पोलराइज हो जाती हैं क्योंकि उसमें नेगेटिविटी जो है न्यूरॉन्स में ऐड हो चुकी है, जिस वजह से ये हाइपर पोलराइजेशन कम हो जाएगा जब न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट रिलीज होगा सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रॉड्स के बीच में, और सब्सिक्वेंट बाइपोलर कंडीशन वापस अराइज हो जाएगी। तो ये पूरा मैकेनिज्म है, वापस से देख लें। लाइट आइसोमराइज हुई रेटिना पे, रोडोप्सिन एक्टिवेट हो गया जिसे ट्रांसड्यूसिन एक्टिवेट हो गया, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एक्टिवेट हो गया, साइक्लिक गुआनिन जो सोडियम चैनल से आ रहा था वो डिटैच हो गया है वहाँ से और टूट गया है GMP में, जिसे सोडियम चैनल बंद हो जाता है इस डिटैचमेंट से, और जो सोडियम की परमेबिलिटी है वो कम हो जाती है, रॉड इसमें हाइपर पोलराइज हो जाती है, जो बाइपोलर थी वो हाइपर पोलराइज हो गई क्योंकि न्यूरॉन्स में नेगेटिविटी जुड़ चुकी है, ये हाइपोपोलराइजेशन कम हो जाता है जब न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट वहाँ रिलीज होगा सिनेप्टिक क्लेफ्ट पर रॉड्स के बीच में, और फिर सब्सिक्वेंट बाइपोलर कंडीशन अराइज हो जाएगी। अब ये ऑन ऑफ मैकेनिज्म क्या होता है, अंधेरे में और लाइट में जो मैकेनिज्म आपकी आंखों का चल रहा होता है ऑन ऑफ मैकेनिज्म कहलाता है। अंधेरे में क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट मैक्सिमम रिलीज हो रहा होता है और रॉड सेयर डीपोलराइज होते हैं, कॉन्सिक्वेंटली इसको अपन ऑन बाइपोलर कह रहे होते हैं, ये हाइपर पोलराइज हो जाती हैं और ऑफ बाइपोलर डीपोलराइज हो जाते हैं, जबकि यही लाइट के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट बहुत कम रिलीज होता है, इसमें रॉड्स हाइपर पोलराइज कॉन्सिक्वेंटली होकर के ऑन बाइपोलर जो है गेट्स डीपोलराइज्ड और ऑफ बाइपोलर हाइपर पोलराइज्ड हो जाता है, जस्ट ऊपर वाले का उल्टा, उसमें ऑन बाइपोलर था और ऑफ ऑन बाइपोलर जो था वो तो हाइपर पोलराइज्ड हुआ था और ऑफ बाइपोलर डीपोलराइज्ड हुआ था, इसमें ऑन बाइपोलर डीपोलराइज्ड हुआ और ऑफ बाइपोलर हाइपर पोलराइज्ड हुआ है। इस लाइन को आप खुद से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। डीपोलराइजिंग जब बाइपोलर सेल्स का होता है तो उसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, जबकि हाइपरपोलराइजेशन से यह रिलीज अचानक ही बंद हो जाता है। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल सेल्स, आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल सेल्स क्या होते हैं, इनिबिटरी इंटरन्यूरॉन्स होती हैं जो कि हेल्प करती हैं इंटीग्रेट और रेगुलेट करती है जो मल्टीपल फोटोरिसेप्टर सेल से जो इनपुट मिल रहा होता है, और रिस्पॉन्सिबल होती हैं रेगुलेट करने के लिए, विजन को रेगुलेट करती हैं, ब्राइट हो चाहे डिम लाइट हो उसमें विजन को रेगुलेट करने का काम ये हॉरिजॉन्टल सेल्स कर रही होती हैं। डायग्राम में आप हॉरिजॉन्टल सेल्स देख सकते हैं, एमेक्रिन सेल्स देख सकते हैं, ये बाइपोलर सेल्स हैं, रेटिनल गैंग्लियोनिक सेल्स हैं, ये ऊपर फोटोरिसेप्टर्स हैं। तो ब्राइट और डिम लाइट में विजन को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं ये मल्टीपल फोटोरिसेप्टर सेल्स, हॉरिजॉन्टल सेल्स जो कि मल्टीपल फोटोरिसेप्टर सेल्स से इनपुट को लेती हैं, रेगुलेट करती हैं, इंटीग्रेट करती हैं।
अब एमेक्राइन सेल्स, ये इंटर न्यूरॉन्स हैं रेटिना में, ये 70% तक रिस्पॉन्सिबल हैं कि रेटिनल गैंग्लियोनिक सेल से इनपुट लेने के लिए 70% रिस्पॉन्सिबल हैं, और रिमेनिंग 30% जो हैं वो रेगुलेट करती हैं एमेक्राइन सेल्स के द्वारा उस इस पार्ट को, और बाइपोलर सेल्स के द्वारा ये हैंडल करती हैं। एमेक्राइन सेल से तो ये रेगुलेट कर रही होती हैं इन इनपुट्स को, और बाइपोलर सेल से ये हैंडल कर रही होती हैं एमेक्राइन सेल्स। अब मैक्यूला पोस्टियर रेटिना का सेंटर पार्ट है, फाइन सेंट्रल विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, येलो पिगमेंट का होता है जिसको अपन ग्जैंटोफिल कहते हैं। हिस्टोलॉजी इसकी, हिस्टोलॉजिकली ये एक एम्प्टी स्पेस है जिसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल भरा हुआ रहता है, और ये थिकनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल उसको थिक बनाता है, सेल्स तो है नहीं, एम्प्टी स्पेस है, तो इसको मोटा कौन बना रहा है, इसका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मैक्यूला, जो कि रेटिना का पोस्टर रेटिना का सेंटर पोर्शन होता है। अब आई बॉल की थोड़ी इंटीरियर स्ट्रक्चर्स देखें, इंटीरियर क्या है, तो इसमें इंटीरियर में एंटीरियर कैविटी पाई जाती है, एंटीरियर चैम्बर जो है वो कॉर्निया और आयरिस के बीच में होता है, पोस्टीरियर चैम्बर लेंस और आयरिस के बीच में होता है, एंटीरियर चैम्बर कॉर्निया आयरिस के बीच में, और आयरिस और लेंस के बीच में पोस्टीरियर चैम्बर है। इसमें एक्वस ह्यूमर भरा हुआ होता है जो कि सीलर प्रोसेस से बनता है, जिसमें खूब सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, मेटाबॉलिक एक्सचेंज का काम करता है, ये वैस्कुलर टिश्यू के लिए कॉर्निया और लेंस के वैस्कुलर टिश्यू में मेटाबॉलिक एक्सचेंज का काम कर रहा होता है। ये इसमें इंट्राओक्युलर प्रेशर अगर बढ़ जाए, अगर ये फ्लूड बढ़ जाए इस चैम्बर के अंदर जो ह्यूमर पाया जाता है ना, जिसको अपन एक्वस ह्यूमर कह रहे हैं, ये एक्वस ह्यूमर अगर बढ़ जाए तो इसकी वजह से आईयूपी बढ़ जाता है, इंट्राओक्युलर प्रेशर, और आईयूपी बढ़ने की वजह से एक बीमारी होती है आँख की जिसको अपन ग्लूकोमा कहते हैं। दो तरह के ग्लूकोमा होते हैं, ओपन एंगल ग्लूकोमा और क्लोज एंगल ग्लूकोमा, और ग्लूकोमा किसी को हो जाए तो क्यों हो जाता है, कि उसमें एक्वस ह्यूमर भर गया जिससे आईओपी बढ़ गया, और इसको ट्रीट करने के लिए अपन इस एक्वस ह्यूमर को निकाल देते हैं, आप मेडिसिन दीजिए तो मेडिसिन क्या होता है, एक्वस ह्यूमर को ड्रेन कर देती है वीनस चैम्बर से, तो उससे आईओपी कम हो जाएगा और थोड़ी राहत मिलती है इस ग्लूकोमा में। ये एक्वस फ्लो दिखाया गया है, कॉर्निया ट्रेबिक्यूलर मैशवर्क बताया गया है, कैनाल ऑफ स्क्लैम है, कलेक्टिंग चैनल्स हैं, आयरिस है, सीलरी बॉडी, स्क्लेरा, लेंस, और ये एक्वस ह्यूमर, एक्वस फ्लो इस तरह से होता है। दूसरी है विट्रस बॉडी, विट्रस बॉडी क्लियर ए वैस्कुलर जिलेटिनस बॉडी होती है, क्लियर ए वैस्कुलर जिलेटिनस बॉडी है जो कि आई का 2/3 वॉल्यूम बनाती है, इसमें 99% वाटर और 1% हाइलुरोनिक एसिड और कोलाजन होता है। विट्रस जो है वो रेटिना पर चिपका रहता है सेंटर पॉइंट पर, पर्टिकुलरली ऑप्टिक डिस्क पर और ऑरा सेरेटा के ऊपर ये चिपका हुआ रहता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है लेंस, बाईकॉन्वेक्स लेंस हमारी आई में पाया जाता है जो कि विद एन इंडेक्स रिफ्रैक्शन ऑफ 1.336 का इसमें इंडेक्स रिफ्रैक्शन पाया जाता है, ये सीलरी प्रोसेस से जॉन्यूलर फाइबर के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, ये भी नॉन वैस्कुलर होता है, कलरलेस और ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होती है। लेंस स्टिफ थोड़ा लंबा प्रिज्म जैसी सेल का बना होता है जिसको अपन लेंस फाइबर्स कह रहे हैं, ये बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ में, और ये डिवाइडेड रहते हैं न्यूक्लियस कॉर्टेक्स और कैप्स्यूल के बीच में, न्यूक्लियस कॉर्टेक्स और कैप्स्यूल में ये डिवाइडेड रहता है लेंस। ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, बीच में न्यूक्लियस, यहाँ कॉर्टेक्स दिखाया गया और उसके चारों तरफ कैप्स्यूल दिखाया गया है। ये जो फाइबर्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स पाया जाता है जिसको अपन क्रिस्टेलिन कहते हैं, क्रिस्टेलिन प्रोटीन्स इसमें पाया जाता है लेंस के अंदर, लेंस फाइबर्स के अंदर, जो कि उसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिफ्रैक्टिव नेचर बनाता है और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है लेंस को। अब फाइनली अपन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं आई की फिजियोलॉजी, कि भाई इमेज कैसे बनती है हमारी आई पर, हमें कोई कोई भी वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई चीज़ हमें कैसे दिखाई दे रही है। तो देखिए इमेज के अंदर सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कॉर्निया जो है 75% लाइट ट्रांसमिट को रिफ्रैक्ट कर रहा होता है, जो ट्रांसमिट हो रही है लाइट उसको 75% ये रिफ्रैक्ट कर देगा, जो बची है
उसको लेंस रिफ्रैक्ट कर रहा होता है, और इमेज जो होती है फिर उसकी वजह से रेटिना पर बनती है, जो कैसी बनती है, इन्वर्टेड, उल्टी बनती है, इन्वर्टेड मिनिमाइज्ड एंड रियल। जो इमेज बनेगी वो उल्टी, छोटी और रियल इमेज बनेगी। आपको डायग्राम बड़ा अच्छा दिखाया गया, तो अच्छा सा डायग्राम है ना ये, कि ये इमेज बनी रेटिना पर उल्टी बनी। देखो देख सकते हो ना, वहाँ मुँह सीधा है या मुँह उल्टा है, पर ह्यूमन ब्रेन इसको इस तरह से डिटेक्ट कर रहा होता है कि ये रियल इमेज क्या है, चाहे वो रेटिना पर उल्टी बनी है, पर ब्रेन उसको सीधी ही डिटेक्ट करेगा। इसलिए हमें इंसान सीधा खड़ा तो उल्टा नहीं दिखाई देता, क्योंकि रेटिना पे चाहे उसकी उल्टी इमेज बनी है, पर हमारा ब्रेन बताता है कि सीधी कैसे। अब लेंस का एकोमोडेशन भी इमेज बनाने में काम करता है। लेंस जो है कि एक बाई कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है, ये फोकसिंग पावर को बढ़ा देता है, हमारे आई की फोकसिंग पावर को बढ़ाता है। लेंस फ्लेक्सिबल होता है, अपने कर्वेचर को ये चेंज कर सकता है, जिसको अपन एकोमोडेट कहते हैं। किसके अकॉर्डिंग? लाइट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, कि भाई ऑब्जेक्ट आपके बहुत पास या बहुत दूर है या ठीक ठाक दूरी पर है, उसके अकॉर्डिंग ये अपने कर्वेचर को ये एकोमोडेट करता है। अगर दूर कोई ऑब्जेक्ट है, बहुत दूर है, तो जोन्यूल फाइबर्स जो हैं वो टेंस बना देते हैं, लेंस को टेंस कर देते हैं, और जिसकी वजह से ये लंबा हो जाता है, इलॉन्गेटेड शेप हो जाती है इसकी। और अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके बहुत क्लोज हैं, तो जो सीलियरी मसल्स हैं वो कॉन्टैक्ट हो जाएंगी, लेंस की टेंशन को कम कर देंगी और राउंडर उसको शेप बना देगी। पहले इलॉन्गेटेड थी, अब इसमें गोल शेप बन गई है, तो उसके अकॉर्डिंग ये लेंस जो है वो एकोमोडेट होता रहता है, फार अवे ऑब्जेक्ट है या क्लोज ऑब्जेक्ट है। ये लेंस का एकोमोडेशन देखिए, आपको दिखाया डिस्टेंस विज़न और नियर विज़न के लिए, इलॉन्गेटेड और राउंड शेप इसकी बन रही है। सीलरी मसल्स रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, जोन्यूल्स फाइबर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, वो दिखाए गए हैं, आप एकदम अच्छे से इसको देख सकते हैं। अब फिजियोलॉजी ऑफ विज़न क्या है भाई, आई की फिजियोलॉजी में फिजियोलॉजी ऑफ विज़न, पहले तो हमने देखा इमेज कैसे बनती है, अब हम पढ़ रहे हैं कि हमें कोई चीज़ कैसे दिखाई देती है, फिजियोलॉजी ऑफ विज़न। उसके लिए अलाइनमेंट, आई का अलाइनमेंट देखना होता है, अलाइनमेंट ऑफ द आईज। बायनोकुलर विज़न क्या है भाई, हमारे पास दो आंखें हैं, टू आईज, फील्ड ऑफ विज़न ओवरलैप एंड द इमेज कोइंसाइड क्रिएटिंग अ सिंगल इंप्रेशन। तो ऐसा नहीं कि हमारे पास दो आंखें तो हम दो अलग अलग को देख रहे हैं, एक आंख एक ऑब्जेक्ट को देख रही है, दूसरी दूसरे ऑब्जेक्ट को देख रही है, नहीं ऐसा नहीं है, दोनों आई एक ही ऑब्जेक्ट को देख रही हैं, उनको फिर ओवरलैप करके वो हमारे सामने एक इमेज सिंगल इंप्रेशन के रूप में हमें दिखाती है, बाइनोकुलर विज़न होने के बावजूद भी। ये सिंस्ड आई की वजह से, सिंस्ड आई मूवमेंट्स की वजह से ऐसा होता है, जिसमें दोनों आईज मूव करती है साइमल्टेनियसली और विज़न के ओवरलैप को मेंटेन कर रही होती हैं। फिक्सेशन, पहले तो उसने क्या किया था, अलाइनमेंट किया था बाइनोकुलर विज़न के द्वारा, अब ये फिक्सेशन कर रही हैं। इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व्स लुकिंग स्टेबली स्ट्रेट एट स्ट्रेट अहेड टूवर्ड एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस। अगर स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट है तो हेड को स्ट्रेट रखते हुए उसमें लुक जो आप देख रहे हो उसको स्टेबल बनाने का काम ही फिक्सेशन, फिक्सेशन मतलब स्टेबल, स्टेबिलिटी लाने का काम ही फिक्सेशन से हो रहा है। तो आप ये देख सकते हैं, लेफ्ट आई विजुअल फील्ड, राइट आई विजुअल फील्ड दिखाया गया है, ये ब्लाइंड स्पॉट दिखाया गया है, मेरिडियन दिखाया गया, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, यहाँ फिक्सेशन पॉइंट के यहाँ पर आकर के ये चीज़ फिक्स होगी ऑप्टिक डिस्क के ऊपर और फोविया के ऊपर, और ये इमेज इस तरह से बनेगी। लेफ्ट आई में लेफ्ट साइड बन रही है, राइट आई विजुअल फील्ड के अंदर राइट साइड ये ब्लाइंड स्पॉट के साथ में दिखाया गया है। फिक्सेशन के बाद आता है फ्यूज़न। फ्यूज़न क्या है, इट इज़ द पावर एग्जर्टेड बाय द आईज टू कीप द पोजीशन ऑफ द आई अलाइंड सो दैट द फोविया कैन प्रोजेक्ट द सेम पॉइंट इन स्पेस। स्पेस में सेम पॉइंट पे फोविया जो है वो प्रोजेक्ट कर सके, तो ये आई का एक अलाइनमेंट है, पोजीशन, पोजीशन ऑफ द आईज अलाइन, के आई की जो पोजीशन है वो अलाइंड हो रही है, एक पावर है जो आई अपनी लगा रही है किसी चीज़ को देखने के लिए फ्यूज़न के थ्रू, क्योंकि दो आईज है ना, तो फ्यूज़ होकर के ये टारगेट ऑब्जेक्ट को आप देखिए डायग्राम के अंदर, लेफ्ट और राइट फोविया जो है वो अपनी अपनी आई से विजुअल एक्सेस के थ्रू ये दोनों एक्सेस जा रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और इस फ्लावर को, एक फ्लावर को अपन देख रहे हैं, ये अपना टारगेट ऑब्जेक्ट है। फिर आई मूवमेंट देखिए, जो कि
कौन कंट्रोल करता है? एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स जो है वो आई मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। लेफ्ट में लीवो वर्जन और राइट में डेक्स्ट्रो वर्जन, अपवर्ड में सरसोम वर्जन और डाउनवर्ड में ड्योर्सम वर्जन जो है वो आई मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम ये मसल्स कर रही होती हैं। डायग्राम में आप देख सकते हो, आप दाएं बाएं ऊपर नीचे जिस तरह से भी आप देख रहे हो आप अपनी आंखों घुमा सकते हो, तो उसके लिए ये मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती है। सुपीरियर रेक्टस इन्फीरियर रेक्टस मसल्स का रोल दिखाया गया है। अब रेंज ऑफ फोकस, अपन कितना फोकस कर सकते हैं? तो 20 फिट से भी ज़्यादा दूर तक हम फोकस कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई एकोमोडेशन करने की हमारे लेंस को ज़रूरत नहीं पड़ती, पर इससे ज़्यादा बट एज दिस डिस्टेंस शॉर्टन द लेंस हैज़ टू एकोमोडेट एंड विच थिकन टू क्लैरिफाई इमेज। तो अगर उससे पास वो है, अगर ये डिस्टेंस कम है, तो हमारे लेंस को एकोमोडेट करना पड़ता है ताकि हम इमेज को क्लैरिफाई कर सकें, अच्छे से देख सकें। अब आई और कैमरा में कंपैरिजन देखिए भाई, क्योंकि आई से भी आपको दिखाई दे रहा है, कैमरा से भी आपको दिखाई दे रहा है, तो किससे ज़्यादा साफ दिखता है, कैमरा से या आई से? आई से ज़्यादा साफ दिखता है, ना कि कैमरा से। देखो क्या क्या चीज़ें होती है, डायफ्राम होता है कंट्रोल करने के लिए, दोनों में आई में भी और कैमरे में भी, ये लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है लेंस के थ्रू जो जा रहा होता है लाइट का अमाउंट। तो आई में प्यूपिल है, आयरिस का सेंटर है, ये ह्यूमन आई में और ह्यूमन आई इसको कंट्रोल कर रही है, जबकि कैमरा में सिर्फ एक शटर है इसको कंट्रोल करने के लिए। इमेज की सेंसिंग कैसे होती है, उसका मेथड क्या है, कि आई के अंदर तो इमेज जो है वो रेटिना पर फोकस होती है और कैमरा में फिल्म या सेंसर चिप होती है इमेज को रिकॉर्ड करने के लिए। फोकस कैसे करती है आपकी आई? आई की जो फोकल लेंथ है वो एडजस्ट होती है शार्प इमेज को क्रिएट करने के लिए। दिस इज़ डन बाय चेंजिंग द शेप ऑफ अ लेंस। अ मसल नोन एज द सिलेरी मसल डज दिस जॉब। सिलेरी मसल आपके लेंस के शेप को चेंज करती है, एकोमोडेट करती है, ताकि आप फोकस कर सके जितनी भी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। जबकि कैमरा में लेंस होता है उसका फिक्स्ड फोकल लेंथ है, अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो इमेज डिस्टेंस एडजस्ट की जाती है लेंस को मूव करवा करके। ये कंपैरिजन दिखाया गया आई और कैमरा का, आप देख सकते हैं क्लियर के कैसे आई जो है वो फोकस कर रही है इमेज पर और कैसे कैमरा फोकस कर रहा है। इस डायग्राम को देखिए आप, लेंस एकोमोडेट कर रहा है आई के अंदर, तो छोटा बड़ा सब हो गया, इसमें भी हालांकि लेंस दिया हुआ है। बस इसके साथ में आपका ये आई की एनाफिजियो यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। आपको कोई भी डाउट है तो आप अपने क्वेश्चंस मुझे लिख करके भेज सकते हैं। आई हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो आई के क्वेश्चंस आपको भेजने हैं तो आप अभी भेज दें, बाद में भेजें, लेट भेजें उससे बेटर है। आप अभी अपने क्वेश्चंस अपने डाउट्स मुझे भेज दीजिए, मेल के थ्रू फ़ोन के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपके सीआर को आप अपने क्वेश्चंस दे दीजिए, वो मुझे दे देगा तो मैं आपके डाउट्स जो हैं वो दूर कर दूँगी। आज के लिए इतना काफ़ी है।